ओके स्टूडेंट अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्री एग्ज़ाम्पल थ्री की इसकी मेन वैक्टर कोवेनियस मैट्रिक्स एंड को रिलेशन मैट्रिक्स की बट यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे डायरेक्ट फार्मूले के साथ कौन सा हमारे पास मल्टीवेडिक का डायरेक्ट फार्मूला था अभी हमने प्रीवियस में किया है नोटेशंस हमने की थी उस नोटेशंस में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डायरेक्ट फार्मूला है इस मेथड से भी हम मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं नाउ वी हैव द एग्जाम्पल थ्री है वी हैव द एग्जाम्पल थ्री मार्क्स ऑप्टेन बाय सिक्स स्टूडेंट्स ठीक है टोटल हमारे पास सिक्स स्टूडेंट्स हैं इन थ्री सब्जेक्ट्स तो वेरिएबल कितने हुए हमारे पास वेरिएबल बेसिकली हमारे पास थ्री सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट्स वेरी कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है तो so, वेरिएबल हमारे पास जो वेरी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मीन की सिक्स स्टूडेंट्स हैं इन थ्री सब्जेक्ट आर शोन इन दॉलोइंग डेटा मेट्रिक विद रोज एज वेरिएबल यहाँ डिफाइन है हमारे पास कि रोज को हमने एज वेरिएबल कंसिडर करना है तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गए ठीक है और हमारे पास सिक्स स्टूडेंट्स हैं यानी सिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं कैलकुलेट मीन वैक्टर वेरियज कोवेरियंस मैट्रिक्स यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला ऑल्सो फाइंड या ऑप्टेन कोरिलेशन मैट्रिक्स ठीक है हमने क्या फाइंड करना है मीन वैक्टर वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स मगर किससे फाइंड करनी है हमने मीन एंड वेरियंस कोवेरियंस डायरेक्ट फार्मूला से तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है फिर म्यू विच इज इक्वल्स टू वन ओवर एन एक्स इंटू वन एक्स वैक्टर इंटू वन आपके पास एक्स सॉरी एक्स हमारे पास मैट्रिक्स है वैक्टर नहीं है वन हमारे पास वैक्टर्स ऑफ एन है म्यू टोटल हमारे पास कैपिटल एन कितने हैं टोटल कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे पास उनके तीन हमारे पास जो हमारे पास बेसिकली हैं थ्री सब्जेक्ट्स हैं और सिक्स स्टूडेंट्स से और हमने उनके मार्क्स ऑप्टेन किए हैं यानी सिक्स स्टूडेंट्स के हमने डिफरेंट थ्री सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऑप्टेन किए एंड दिस इज दी वे वन इन एन वैक्टर्स यानी वन कितने टाइम्स आएगा सिक्स टाइम्स ठीक है तो ये आपके पास कितना हो गया थ्री इंटू सिक्स और ये आपके पास सिक्स रोज वन कॉलम तो रिजल्टिंग वैक्टर हमारे पास क्या होगा थ्री इंटू वन इट मीन्स थ्री रोस और वन कॉलम का हमारे पास रिजल्ट आएगा तो मीन वैक्टर मीन कैसे फाइंड करेंगे जैसे हम सिंपल म्यू आपके पास है वन ओवर एंड एक्स इंटू वन एक्स हमारे पास मैट्रिक्स है तो so मैट्रिक्स आपको पता है बोल लेटर में यानी कैपिटल लेटर्स में लेते हैं और वैक्टर को हम स्मॉल लेटर्स में लेते हैं फोर्टी वन इंटू वन प्लस थर्टी सेवन इंटू वन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय वंस देन डिवाइडेड बाय सिक्स तो मीन आ गया जिसको हम कहते हैं म्यू वन 52.5 सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय वन यानी 68 एट मल्टीप्लाई बाय वन प्लस सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय वन यहाँ से आपने उसका मीन फाइंड कर लिया देन डिवाइडेड बाय सिक्स 53.3 और लास्ट आपके पास आ गई है लास्ट रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया लेकिन मल्टीप्लाई के साथ ऐड भी तो कर रहे हैं ना आपको मल्टीप्लीकेशन तो प्रीवियस मैंने बताया था मेट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है 58 एट मल्टीप्लाई बाय वन प्लस ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाई वन सेवेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाय वन टू सो ऑन सेवेंटी मल्टीप्लाई बाई वन डिवाइडेड बाई सिक्स तो मीन फैक्टर हमने फाइंड किया है म्यू वन म्यू टू एंड म्यू थ्री यूजिंग दी डायरेक्ट फार्मूला और कौन सा फार्मूला यूज किया हमने बोला वेन रोज इन कॉलम इन दी रोज वेरिएबल इन द रोज आपके पास क्या था इसमें वेरिएबल इन द साइड नाउ वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स ये रिजल्ट पी इंडेशन आपको याद हैं हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में किए हैं वन ओवर एन एक्स इन टू आइडेंटिटी माइनस वन ओवर एन वन इन वन ट्रांसपोज इन टू एक्स हमारे पास क्या है एक्स ट्रांसपोज सिग्मा फाइंड कर रहे हैं वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक विच इज वन ओवर एन ओवर एन एन विच इज इक्वल टू सिक्स एक्स एक्स हमें गिवन है आइडेंटिटी अब आपने आइडेंटिटी देखनी है कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास थ्री और हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे यानी स्टूडेंट कितने थे सिक्स अब आप देखो जो आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है आइडेंटिटी यानी वेयर आइडेंटिटी को अब हम कैसे दिखा रहे हैं वन जीरो 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है टोटल आपके पास सिक्स स्टूडेंट्स हैं तो हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली सिक्स बाई सिक्स की माइनस वन ओवर सिक्स वन वन हमारे पास कितने टाइम्स होगा कॉलम में वन आपके पास पी जिसको आप कहते हो ना सपोज पी इंटू वन है तो पी इंटू वन कितनी रोज आपके पास होगी सिक्स इंटू वन इंटू वन वन हमने वेक्टर भी पहले लिया है ठीक है ना ये वन वेक्टर हमने लिया था अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया देन मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज ये जो एक्स है इसका ट्रांसपोज ले लो आपको ट्रांसपोज का पता है कि कैसे लेते हैं रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये टोटल हमने सिग्मा की वैल्यूज़ लिखनी अब इसको हमने सॉल्व करना है अब सॉल्व के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि हम इसको सोलूशन कैसे करें पहले ये ब्रैकेट है ना इन ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को हम फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है ठीक है इसमें सबसे पहले हमने कौन से करनी है सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये इसको सॉल्व करें अब ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है ये आपके पास सिक्स इंटू वन और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है वन रो इन टू सिक्स कॉलम तो रिजल्टिंग क्या हो गया सिक्स इंटू सिक्स की हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं ठीक है देन माइनस वन ओवर सिक्स कर लेंगे उसमें से यानी हर वैल्यू को हम सिक्स पे डिवाइड कर देंगे देन हम फर्दर यहाँ से आपके पास फर्स्ट रो माइनस फर्स्ट कॉलम ये देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया वो ब्रैकेट के बिटवीन uh, ब्रैकेट जो हमारे पास वैल्यूज थी वो सारी हमने सॉल्व करके रिजल्ट हमारे पास ये आ गया आप लोग इसे ट्राई करो कि कैसे हम इसे करें ये वन इंटू वन फिर देन वन इंटू वन ये सारा आप सोल्व करोगे तो सिक्स इंटू सिक्स की हमारे पास मेट्रिक्स आ जाएगी देन वो वन ही आ रहे हैं तो वन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा सिक्स वन माइनस वन बाय सिक्स सो फाइव बाई सिक्स ठीक है ना फाइव बाई सिक्स आ गया सो ज़ीरो माइनस वन बाय सिक्स बच इस टू माइनस वन बाई सिक्स ठीक है इस तरीके से ये हमारी पूरी सॉल्व हो गई फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो या आपको इससे मल्टीप्लाई बट अब आपने चेक करने है कि मल्टीप्लाई होगा कैसे तो फर्दर हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दो को ठीक है ये मल्टीप्लाई होगा देन इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे अब देखो ये कितना है हमारे पास थ्री इंटू सिक्स और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है थ्री सिक्स इंटू सिक्स तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स थ्री इंटू सिक्स की हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं फर्दर सॉल्व अब मैंने तो यहाँ पे नहीं किया बट आप इसको इजीली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो मैनवली भी ये आपसे सॉल्व हो सकता है थ्री इंटू सिक्स का आपने यहाँ पे सॉल्व किया और ये आपके पास कितना है सिक्स इंटू थ्री तो फाइनल जो रिजल्ट आना है हमारे पास वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स का वो आएगा थ्री इंटू थ्री का कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया ये देखो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स आ गई है ठीक है डायरेक्ट फार्मूले से हम इसको यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट उसने कहा था फाइंड आपने क्या करना है क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था फाइंड दी कोरिलेशन मैट्रिक्स कोरिलेशन मैट्रिक्स हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स आएगी तो कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड होगी ना अदरवाइज हम कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स में हमने डी इनवर्स एज यू नो दैट कि हमने ये इनवर्स वैल्यूज लेनी है बट हमने क्या करना है इसके इसके रूट ले लेने वो डी इनवर्स की वैल्यूज आ गई आपके पास फर्दर हमने इसमें क्या किया जी इसका इनवर्स फाइंड कर लिया है डी आ गया डी यानी स्केयर रूट ले लिया हमने प्रीवियस फर्दर उसका हमने यहाँ पे इन्वर्स फाइंड कर लिया इन्वर्स क्या आ गया वन ओवर ट्वेल्व पॉइंट एट फाइव फाइनली इस कोरिलेशन मैट्रिक्स के अंदर हमने डेटा इंटर कर दिया जो रिज़ल्ट आ रहे थे हमने इंटर कर लिया और इन तीनों को आप सॉल्व करोगे तो फाइनल रिज़ल्ट आपके पास ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ रही है फर्दर आपको पता है कि हमने सोल्व कैसे करना है फर्स्ट टू को पहले हम कर लेंगे आप ऐसी सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि थ्री बाई थ्री के सारे हैं तो फर्स्ट टू भी हम सॉल्व कर सकते हैं देन लास्ट टू भी हम सॉल्व कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये कोरिलेशन मैट्रिक्स का आ रहा है